हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग। चलो हम लोग रक्षाबंधन आज के दिन मना रहे हैं। आज है 12 तारीख। वैसे 11 की राखी थी, बहुत सारे लोगों ने बांधी थी, बट भद्रा था और इसलिए हम लोगों ने 12 को मना रहे हैं हम लोग राखी। और कल शाम को भी टोटल 15 मिनट का मुहूर्त था और हमारे घर में हम लोग मुहूर्त वगैरह बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि हम लोग देखो ना, ऐसा होता है कि अच्छा हो तो कुछ वो नहीं होता, लेकिन अगर इतना सा भी कुछ ऊंच नीच हो जाती है ना, तो हमेशा मन में ये लगता है कि हमने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया। सो हम लोग ना ऐसे रिस्क नहीं लेते। तो सबसे पहले तो राखी बन गई है मेरे गुड्डा को, राखी बन गई। ये देखो टीका लगा के बैठे हैं, चुंदर चुंदर राखी बांध के, मिठू मिठू चिज्जू खा के और बहुत खुश हो गए। आज सुबह से ना लकी बहुत ज्यादा टें 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 कर रहे थे, बट उनको नहलाया, रेडी किया, फिर मैंने सबसे पहले उन्हें ही राखी बांधी, तो उसे थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है। और मम्मा और मैंने ऑलमोस्ट सेम कलर पहना है, मतलब मैंने मेहंदी कलर का पहना है, और ये भी मेहंदी कलर ही कहते हैं हिंदी में तो इसे, बट शेक थोड़ा सा डिफरेंट। एंड मेरे गुड्डा ने डैडू के पसंद का पिंक कलर पहना है। ओले बापले, आई लव यू, बोल दो सबको, बोल दो हैप्पी रक्षाबंधन, बोल दो बेटा, बोल दो शाली दीदी दीदी उनको हैप्पी रक्षाबंधन, बोल दो बेटा सारी दीदी उनको, बोल दो नहीं बोलूंगा। और मैंने थाली रेडी कर ली है, राखियाँ निकाल ली है, रुमाल निकाल लिए, नारियल लेके रखती जाऊंगी और दिया जला के बैठी हूँ, और मिठाई भी यहाँ पर रख ली है मैंने, बाकी सब कुछ रेडी है, बस भाइयों के आने का वेट है। और आप लोग सोचोगे हर बार के त्यौहार की तरह मैंने इस बार भी हेयर कॉम्बिंग की है, तो त्यौहार कोई भी हो हेयर वॉश करने पड़ते हैं और वो सूखते ही नहीं तो हेयर कॉम्ब करने का कोई वही नहीं बनता मुझे, मतलब हर बार ऐसे ही बालों के साथ मैं फोटो क्लिक करवाती हूँ। एंड मैंने मेहंदी लगाई थी और मेरे गुड्डा ने भी मेहंदी लगाई है। मुझे बहुत अच्छी मेहंदी तो बनाना नहीं आती, लेकिन जैसी भी आती है बना ली मैंने, बहुत अच्छी सुंदर सुंदर तो नहीं है बट बना ली शगुन के लिए। और लकी ने भी ना कल रात में जिद करके पैरों में एक एक टीका टाइप का लगवा लिया हम उससे। घर पे सभी मेहमान आ गए हैं, लकी काफ़ी एक्साइटेड हो गए, उसे बहुत अच्छा लगता है सब लोग आ जाते हैं घर पे, और उसने बहुत मस्ती की है इसलिए अब वो बैठ गया है रिलैक्स होकर। और इतनी देर में डैडू भी आ गए, वो भी राखी बंधवाने गए थे बाहर, तो हमने उन्हें भी कॉल कर दिया और अब हम लोग सबको साथ में राखी बांध रहे। एक्चुअली ना मुहूर्त थोड़ा लेट था, अदरवाइज़ मैं लकी और डैडू दोनों को साथ में सुबह ही राखी बांध देती, बट मैंने पहले मेरे भाइयों को राखी बांध दी, अब मैं डैडू को राखी बांधती हूँ। और हमारे घर में ना हम लोग ऐसे सीक्वेंस से राखी बांधते, पहले बड़ों को बांधते फिर छोटों को बांधते, बट ना इस बार ऐसा हुआ कि लकी ने इतना ज़्यादा ज़िद किया कि उसे सुबह सुबह ही मुझे राखी बांधनी पड़ी, तो बहुत ज़्यादा मतलब वो रोना गाना कर रहा था, वो राखियाँ ले लेकर भाग रहा था, तो मम्मा ने कहा उसे बांध दो। और आप लोगों को लगेगा कि मैं ऐसे बोल रही हूँ कि लकी को राखी के बारे में क्या समझ में आएगा, बट वो बहुत ही डिफरेंट बच्चा है, उसे हर चीज़ समझ में आ जाती है, उसे हर चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक है, स्पेशली ना उसे फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसे फेस्टिवल्स पे न्यू चीज़ें करना भी अच्छा लगता है। एंड मैं अब चिंटू को राखी बांध रही हूँ, सो आप लोग देख सकते हो लकी उसके पास में जाकर नीचे बैठ गया, एक्चुअली उसे लग रहा है उसे डबल से राखी बंधेगी और मिट्टू मिट्टू चीज़ों मिलेगी, तो इसलिए वो काफ़ी एक्साइटेड होकर वापस से जाकर बैठ गया है, जिससे मैं उसे डबल से राखी बांध दूँ और उसे कुछ मीठा खिलाऊँ। एक्चुअली मैंने ना उसके लिए स्पेशल मिठाई लेकर आई थी, जो खिलाकर मैंने उसे मॉर्निंग में ही राखी बांध दी, वो मिठाई में ना ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं था, एक्चुअली वो ना कोकोनट बर्फ़ी थी एंड शुगर फ्री थी, तो कोकोनट बर्फ़ी में ऐसा होता है ना मावा भी कम रहता है, और शुगर फ्री ली तो शुगर भी कम थी, तो आज के दिन उसको हमने अलाउ किया थोड़ा सा शुगर फ्री मीठा खाना, और वो हेल्दी भी थी उसके लिए अच्छी थी, और मावे की क्वांटिटी उस जो कोकोनट बर्फ़ी थी उसमें बहुत ही ज़्यादा कम थी। एक्चुअली ना हमको बहुत ज़्यादा डर लगता है, तो हम अवॉइड करते हैं उसे मीठा देना एकदम,
लेकिन राखी वगैरह रहती है तो उसके लिए कुछ स्पेशल ले आते हैं या घर पे बना देते हैं। एंड अब मम्मा अपने भाई को राखी बांध रही है और लकी को फिर से लग रहा है कि उसे भी राखी बांधी जाएगी। वो इतना ज़्यादा इंजॉय करता है ना जब दूसरों को राखी बांधती है। या फिर हम दिवाली पर भी उसने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया था। अब देखिए उसकी मामी को राखी बांध रही है तो उसे वो राखी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। सुबह से वो उस राखी के पीछे पड़ा ना तो वो जंप करके लेने की कोशिश कर रहा था कि मम्मा उसे दे दें और वो लेकर भाग जाए। तो उसकी ना यही हरकतों के कारण ना हम लोग कभी भी, हमें ऐसा नहीं लगता कि हम उदास होते हैं या फिर हमको कुछ अपसेट फील होता है ना, तो वो कुछ ऐसा करता है जिससे हमें हंसी आ जाती है। एंड अब मैं मम्मा को राखी बांध रही हूँ और मम्मा के लिए मैं स्पेशल राखी लेकर आई थी, चूड़ा राखी थी, बट ना वो बहुत ही प्यारी थी, ब्रेसलेट वाली थी, जो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। अभी तो मैं उनको राखी बांध रही हूँ और उनकी जो राखी है ना वो इतनी अच्छी है कि वो अगर चाहें तो सूट वगैरह पे बाद में भी पहन सकते हैं। इतना प्यारा डिज़ाइन था उसका, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे कोई ब्रेसलेट है। एंड लक्की ने जैसे ही देखा ना कि मैं उसकी मम्मा को राखी बांध रही हूँ तो वो खुद भी आ गए और मेरे साथ राखी बंधवाने में मुझे हेल्प कर रहे हैं। उसे लग रहा था कि दीदी और भैयों ने मिलकर राखी बांधी और उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी। और जब तक मम्मा को राखी नहीं बांधी ना वो वहीं पर खड़ा रहा और उसने भी हेल्प की राखी बांधने में और उसे फील भी हुआ कि हाँ मैंने भी राखी बांधी है। एंड जैसे ही राखी बन गई ना उसे लगा वो चला गया और वापस से बैठ गया अपनी प्लेस पे। और मम्मा ने भी सेम उसी टाइप की राखी मेरे लिए भी लाए थे तो हम दोनों एक दूसरे को ही राखी बांध लेते हैं। अब मम्मा को राखी बांधी और वो मुझे राखी बांधते हैं। सो सबसे एंड में इस बार मुझे राखी बांधी है। अदरवाइज ऐसा होता है ना, मैं मम्मा से कहती हूँ कि पहले मुझे बांध दो, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये वाली चूड़ा राखी जो रहती है ना। सो हमने एक दूसरे को राखी बांधी और काफ़ी ब्यूटीफुल भी लग रही है वो राखियाँ। मैं सबको राखी बन गई और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर। रुको लक्की, रुक जाओ पीछे से। और हम लोग आ गए हैं अभी बाहर, मंदिर जा रहे हैं और लक्की वेट कर रहा है। डेडू का, डेडू किसी काम से गए हैं बाहर गाड़ी के, तो वहाँ आगे बैठ कर वेट कर रहा है कि डेडू कब आएंगे और कब हम लोग मंदिर जाएंगे। बच्चों को चैन नहीं। डेडू हमको लेकर आए घूमी घूमी पे। हाँ जा रही है चीना, जा रही है लक्की। गेट खुल रहा है। तो हम लोग अभी ना आए हैं बाहर घूमो घूमो करने। लचीना क्या मंगवाए? इधर पराठा चाइनीज है। चाइनीज मंगा लो। हाँ चाइनीज ही मंगवाएंगे। क्रिस्पी कॉर्न मंगाए? हाँ एक क्रिस्पी चिकन पनीर मंगाते हैं। लेको और हक्का नूडल्स। हाँ एक हक्का नूडल लगा देना और एक चिली पनीर। एक चिली पनीर, एक ग्रेवी में। मामा कुछ पीने के लिए फ्रेश जूस नहीं लेके आए। हाँ एक बात बुलाना भैया, जूस हम पीना। अब उसे कुछ और चाहिए। हम अब मैं शूट कर लूँ। हम लोग आए घूमो घूमो करने। डैडू आज हमको लेकर आए राखी के दिन गिफ्ट के तौर पे, है ना बेटा? हाँ घूमू घूमू आए। और अभी एक रेस्टोरेंट में रुके हैं हम। सो गाड़ी में ही मंगवाया कुछ खाने पीने को। आज सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। वैसे भी राखी के दिन राखी बांधने से पहले हमारे वहाँ कुछ नहीं खाते, तो अब कुछ खाने जा रहे हैं। भगवान को राखी बांधा है मंदिर जाकर और लक्की को मैंने वहाँ बांध दिया है, तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। उसे बाहर जाना था और आपको बताती हूँ उसे बाहर क्यों जाना था। क्योंकि इस वक्त जहाँ पर हम रुके हैं ना उसके सामने एक प्लॉट है, मतलब रेस्टोरेंट के सामने प्लॉट है और ज़्यादा बारिश की वजह से वहाँ पर पानी भर गया है पूरी तरीके से और पूरा पानी भर गया है। इस वजह से ना ऐसा लग रहा है छोटा सा लेक है। और लक्की को ये गलत फहमी हो गई है कि हम लेक साइड आए हुए हैं, तो वो बाहर जाने की जिद कर रहा है बहुत ज़्यादा और उसने अपने आप को खोल भी लिया है ना। बेटा पीछा, बेटा भैया छिज्जू ला देना, बस बोल दिया वो छिज्जू लेकर आएगा और छिज्जू लेकर आएंगे ना।
और आप लोग बताओ कि लक्कू जी की राखी कैसी लग रही है। मैं वैसे उसके लिए बहुत सुंदर राखी लाई हूँ, बट पहले मुझे लग रहा था कि कोई टॉय वाली राखी मुझे लेकर जाना चाहिए उसके लिए, बट फिर मम्मा ने कहा कि लकी को कार्टून्स एंड टॉयज तो कुछ ज़्यादा पसंद है नहीं, उसे ना ऐसी चमकने वाली चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब उसमें सितारे लगे हों और अच्छा डिज़ाइन हो तो उसे अच्छा लगता है, तो ऐसी वाली राखी लाए। और मम्मा की चूड़ा राखी देखो बहुत मस्त है, मैंने बांधी है ये वाली राखी, बहुत सुंदर बहुत। हाँ आपके लक्की ने बांधी है ये वाली राखी, लक्की और दीदी ने मिलकर बांधी है ये वाली राखी। और मेरे लिए जो राखी मम्मा ने ली है वो भी कुछ उसी टाइप की है, लेकिन थोड़ा सा डिजाइन डिफरेंस है दोनों की। ये थोड़ा बड़ी बड़ी थी तो ये मैंने मम्मा को बांधी है, और ये थोड़ी छोटी सी थी तो मैंने इसे अपने हाथ के लिए रखी थी और मम्मा ने मुझे बांधी है ये। हाँ, मेरे बेटा ने बांधी ना, लक्कू ने बांधी है ये राखी तो। हाँ गुड्डा ने बांधी है मम्मा, और मैंने मंगवाया है मिक्स फ्रूट जूस और ये है लक्की का कोकोनट वाटर जो कुछ कुछ देर में आकर पी रहा है, उसकी ड्रिंक अलग से मंगवानी पड़ती है ना गुड्डा। लो आ जाओ ये पी लो आओ। ना तो पता नहीं कौन से जमाने का है, अब क्या कह रहा मानू, वो पाइप से पिला मैं, दे दो पाइप से पिला, खुद पी रही पाइप से उसको दे दे। हमारे चिली पनीर भी आ गए हैं, हक्का नूडल्स नहीं आए हैं, अच्छा एक एक चीज ही आए तो। गुड्डा क्या हुआ, क्या हो गया, आया होगा फोन की तरफ भी देख रहे हैं, फिर जो तीखाधारी लोग रहते हैं ना जो गुंडे टाइप के, उनसे ये बहुत जुड़ता है, बहुत ज्यादा सुपर स्पाइसी, मजा आ गया, बहुत दिनों बाद कुछ इतना स्पाइसी खाने को मिला। माँ का नूडल्स का टेस्ट कैसा, अच्छा मतलब स्पाइसेस वगैरह हैं या स्पाइसी नहीं है। अका नूडल्स को तो ना वो चिली पनीर की ग्रेवी के साथ खाओ ना तभी ठीक लगता है, बस कलर अच्छा लग रहा है उसका। हाँ, देखो तो बहुत अच्छा है, बना भी अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, लेकिन स्पाइसी कम है बस, और कुछ नहीं, वो भी अपने लिए। आपने को आदत है स्पाइसी खाने की, फोन आया डेडू के पास, डेडू के पास चलो इधर का विंडो खोल देंगे डेडू, वो देखो विंडो खोल रहे हैं, वो लेग को देखो आप। डेडू ने मंगवाया है इडली सांभर, कैसा है इसका टेस्ट, सांभर कुछ ज्यादा है, पतली पतली सी नहीं दिख रही दाल जैसी, तो बोल रहे टेस्ट अच्छा है, टेस्ट अच्छा, फिर उनको पसंद आया तो फिर टेस्ट अच्छा ही होगा। और लकी ना यहाँ पर बैठे बैठे हम सबको प्रोटेक्ट कर रहा है दूसरे लोगों से। हाँ बेटा नहीं चिल्लाना किसी को, कोई अपने को नुकसान थोड़ी नहीं पहुँचाएगा यहाँ पर, है ना, कितना अच्छा लग रहा है ना सीन। हाँ बेटे बेच जा गुड्डा बेच जा, हाँ बेच जा। पूरे दिन की मेहनत के बाद अभी हम लोग घर पे आए हैं 10:30 बजे, सभी जगह से राखी वगैरह बांध के घूम फिर के, और 12:15 हो गए हैं अभी, और हमारा लक्की तो इतना भयानक थक चुका है कि वो फर्श पे ही सो गया, उठने को ही तैयार नहीं है। अभी आकर हम लोगों ने खाना बनाया, दाल बाटी बनाई क्योंकि पूरी तो अभी 2-3 दिन पहले ही हमने बनाई थी, तो अब मन नहीं हो रहा था हमारा बिल्कुल भी, तो मम्मा ने खाया उनका पिज़्ज़ा और डैडू और मैंने खाया है दाल बाटी, और उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि ना सो जाए, पूरे सुबह से लेकर अभी तक एक सेकंड के लिए ऐसा टाइम नहीं मिला कि हम लोग आराम से बैठ सकें, मतलब पूरे दिन राखी का दिन ऐसे ही जाता है हम लोगों का। इवन लक्की भी इतना ज़्यादा थक गया है ना कि उसे खाना खाने के लिए भी ना हम लोगों को बहुत मुश्किल से हमने उठाया उसे और खाना खिलाया है, और जस्ट आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे फर्श पे सोया हुआ है आज वो।
आप लोग देखो कैसे बेसुध होकर सोया है आज वो। मतलब नॉर्मली वो क्या करता है, इस टाइम रूम में चला जाता है और सो जाता है, लेकिन आज बाहर से आया वो और जैसे वो लेटा था ना वैसे ही लेटा हुआ है। बस वहीं पर मैंने उसे खाना खिला दिया और वहीं पर सो गया। तो अब थोड़ी देर में हम लोग उसे उठाकर लेके जाएंगे, अभी बहुत गहरी नींद में, तो थोड़ी देर बाद उसको उठा के रूम में लेकर जाएंगे। अब सब इतने भयानक थक चुके हैं ना कि थोड़ी देर में सोने जाएंगे। और आप लोगों को अपनी मेहंदी दिखा देती हूँ जिसका कलर और डार्क हो गया है, कल तक और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। मेहंदी का कलर धीरे धीरे बढ़ता है, अगर हम घंटे भर भी लगाएं ना तो अच्छा खासा मतलब कलर आ जाता है दूसरे तीसरे दिन तक, उसके बाद वो ख़राब होने लगता है जो बहुत बुरा लगता है। सो अब जाएंगे सोने हम लोग और मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोग बताना कि हमारा राखी का व्लॉग आपको कैसा लगा, रक्षाबंधन का व्लॉग आपको कैसा लगा। मैं ना अक्सर ऐसे राखी बोल देती हूँ तो मम्मा मुझे चिल्लाती, राखी नहीं होता, राखी तो वो होता है जो हम बांधते हैं, रक्षाबंधन होता है ऐसे नॉर्मली सभी कहते हैं रक्षाबंधन। सो वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन एंड हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।